नमस्कार दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ में एक से ज़्यादा एटीएम कार्ड एक्टिव हैं जिसका आपको हर साल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, तो आपको हर साल मेंटेनेंस चार्ज देना ना पड़े इसलिए आप एक्स्ट्रा एटीएम कार्ड को घर बैठे बंद कर सकते हो। मेरे अकाउंट में दो एटीएम कार्ड एक्टिव हैं, एक फिजिकली और एक वर्चुअली। तो आज मैं आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड किस प्रकार से क्लोज करते हैं या फिर किस प्रकार से इसको ब्लॉक या फिर बंद करते हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले योनो लाइट एसबीआई में लॉगिन हो जाएंगे अपना एम पिन डाल के। इसके बाद से आपको मैनेज कार्ड पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल डेबिट कार्ड बंद करने से पहले आपको फिजिकली डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर चूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके अकाउंट के साथ में कितने एटीएम कार्ड एक्टिव हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद से आपको इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे अकाउंट में अभी दो एटीएम कार्ड शो हो रहे हैं, मतलब ये दोनों कार्ड एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हो। चलिए अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद मैं यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, आप यहीं से वर्चुअल डेबिट कार्ड को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, मतलब अप्लाई भी कर सकते हो, और अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको देख भी सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो वर्चुअल डेबिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी सर्विस आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहीं से इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, आप उसको देख भी सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, इसके बाद से क्लोज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं व्यू वर्चुअल कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से आप नीचे की तरफ देख सकते हो सेलेक्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पर ये आ चुका है, और इस प्रकार से आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देख सकते हो। तो चलिए, हमने तो देख लिया है कि उसके लास्ट के 4 डिजिट 4194 हैं, और इसी को मुझे बंद करना है। तो मैं यहां से इसको बैक आ जाता हूं और क्लोज कार्ड पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद से यहां से मैं अपना अकाउंट नंबर चूज़ करूंगा। इसके बाद से नीचे यहां से कार्ड सेलेक्ट करेंगे, वर्चुअल वीजा ग्लोबल कार्ड मेरा है। इसके बाद से कार्ड नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो क्लोज का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको क्लोज पर क्लिक कर देना। इसके बाद से यस, इसके बाद से कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी डाल के और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुल ब्लॉक्ड हो गया है या फिर बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको फिर से बैक जाके और बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट में अब कितने एटीएम कार्ड शो हो रहे हैं, जबकि वो पहले 200 हो रहे थे। इसके बाद से मैंने एक को बंद कर दिया, तो अब वहाँ पर एक ही शो होना चाहिए। और बैक आने के बाद फिजिकली डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से यहाँ से अपना अकाउंट नंबर चूज़ करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरे पास जो एक फिजिकली डेबिट कार्ड है ओनली वो एक ही शो हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर 200 हो रहे थे, तो एक को मैंने बंद कर दिया है, इसलिए यहाँ पर 100 हो रहा है। इसके बाद से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको व्यू और मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से व्यू वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना अकाउंट चूज़ करेंगे। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉपअप मैसेज आ गया है कि नो एक्टिव कार्ड आर अवेलेबल, मतलब हमारा जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुल बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी बंद कर सकते हो।